सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्वीनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहि। ॐ शांति शांति शांतिः। छोटा संकल्प, आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करके सेक लगा लीजिए। तो हम लोग आज जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पहले सिलेबस को पहले ध्यान में रखते हैं, क्या क्या है पढ़ना, क्या छूट रहा है, कितना पढ़े हैं हम लोग। पहला है इसमें, नमस्कार, पहला है आपको फर्स्ट पॉइंट जो सिलेबस में दिया हुआ है, उच्च अधिगम संस्था और प्राचीन भारत में शिक्षा, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। इस टाइम में जो है जो भी संस्था थी पढ़ने के पढ़ाने के लिए, सबसे पहले तो एंशियंट टाइम में क्या क्या था पहले बताइए, कुछ कुछ नाम बताइए आप लोग। तक्षशिला, नालंदा, उससे पहले तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, विक्रमशिला बहुत बढ़िया। और गुरुकुल पद्धति भी थी उस टाइम में, ठीक है। गुरुकुल पद्धति में जो है गुरुकुल थी, उसके बाद समिति थे, उसके बाद जो है ये सभा हुआ करता था, और उसके बाद परिषद हुआ करता था, आश्रम व्यवस्था थी और विद्यापीठ हुआ करता था उस टाइम में। ये सब इंस्टीट्यूट जो है प्राचीन काल की थी। तो गुरुकुल में क्या होता था, किसके किसके बीच पढ़ाई होता था, गुरु शिष्य के बीच, और परिषद में जो ब्राह्मण लोग के थे वो लोग जो है पढ़ते थे परिषद में, और उसके बाद जो है और ये गोष्ठी सम्मेलन हुआ करते थे वहां जो है, जिसमें महान राजा को बुलाए जाते थे, एक राष्ट्रीय सभा थी जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधित्व को उनके विचारों को करने और आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किए जाते थे। उस टाइम में जो है गोष्ठी या सम्मेलन जब भी बुलाया जाता था तो एक जितने भी महान राजा थे उसको बुला करके राष्ट्रीय सभा की जाती थी, और सभी जिसमें कि विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों को उनके विचारों को पूरा करने और आदान प्रदान विचार को आदान प्रदान करने के लिए बोला जाता था, करने के लिए फीडबैक लिया जाता था, उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर प्लानिंग किया जाता था उस टाइम में। आश्रम व्यवस्था में क्या होता था, आश्रम में ऐसे केंद्र थे जहां देश भर के विभिन्न स्थानों से विद्यार्थी प्रसिद्ध संतों के साथ संतों के पास सीखने के लिए एकत्रित होते थे। उदाहरण के लिए प्रयाग में भरद्वाज का आश्रम, ये थे। उसके बाद विद्यापीठ होते थे जहां पर महान आचार्य जो लोग जो है वहां आते थे, और विद्यापीठ में क्या होता था कि आध्यात्मिक पहलुओं के लिए शैक्षिक संस्थान थे विद्यापीठ, आध्यात्मिक पहलुओं जो भी था स्पिरिचुअल के बारे में डिस्कशन करने के लिए जो है वहां पर शैक्षिक संस्था माना जाता था विद्यापीठ को, जहाँ शंकराचार्य जहाँ जो है श्री शंकराचार्य श्री गेड़ी और कांची द्वारका पुरी और भद्री में ऐसे संस्थान शुरू किए थे। शंकराचार्य ने जो है कहाँ श्री गेड़ी कांची द्वारका और पुरी और भद्री में ऐसे संस्था शुरू किए थे विद्यापीठ का।
आग्रह नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता मठ। उस टाइम में मठ किसको बोला जाता था? ये मुख्य रूप से धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष निर्देशों के निवास और प्राप्त करने के लिए थे। ये मठ शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों से संबंधित थे और कुछ मंदिर संघों से जुड़े हुए थे। मठ जो है ना, धर्म धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष निर्देशों के निवास प्राप्त हेलो करने के सर, लिए थे। सर नमस्ते नमस्ते, सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो पा रही है। स्क्रीन भी शो कर दें, एक सेकेंड। ठीक रहा है ना सभी को? जी सर, ओके। उच्च शिक्षा के विकास, यही अभी पढ़ रहे थे, उच्च शिक्षा के विकास पर ये क्या होगा? हाँ, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली छात्रों के संदर्भ में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी है। भारत की उच्च शिक्षा के क्षेत्र ने स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय स्तरीय संस्था एवं कॉलेजों की संख्या में अद्भुत वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट जो है, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारत में शिक्षा प्रणाली ने अपनी प्रारंभिक सभ्यता को पुनः अपनाया है, जहां शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया गुरुकुल प्रणाली के इर्द गिर्द घूमती है। और ये कह रहा, भारत में शिक्षा प्रणाली अपने प्रारंभिक सभ्यता को पुनः अपनाया है, जहां शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया गुरुकुल प्रणाली के इर्द गिर्द घूमती है। वही गुरुकुल प्रणाली में जो होता है, क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच रिलेशन रहता है, अच्छा, जहाँ शिक्षक की वैल्यू ज्यादा रहती है। यह एक आवासीय अवधारणा थी, जिसमें छात्रों को धर्म, दर्शन और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में एक गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षित किया जाता था। देख रहे हैं यहाँ पर है, इस तरह से पहले प्राचीन टाइम में ये आते थे, कि परिभाषा है वो साधना का, कुछ तीन स्टेप होता है। देर इज फॉर फॉल्ड प्रोसेस, थ्री प्रो फॉल्ड प्रोसेस ऑफ साधना। कौन कौन? श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन। श्रवण में क्या होता था कि हेयरिंग फ्रॉम गुरु, गुरु का जो है सुनते थे, और उसके बाद जो है क्वालिफाइड स्पिरिचुअल टीचर होते थे। इसमें डेवलप फेथ इन द स्पिरिचुअल, इस टाइम में जो है क्या करता है, डेवलप विश्वास जो है ज्यादा और ये बढ़ता था। श्रवण करके, श्रवण किया जाता था, मनन किया जाता था, निधि ध्यासन किया जाता था। इसको रिफ्लेक्टिंग ऑन, मनन में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट इज हेयर्ड फ्रॉम द टीचर्स, रिमूव डाउट। कोई भी डाउट को जो है ये करते थे, क्लियर करते थे। कोई भी डॉट रहता था मनन करके, उसके बाद निधि ध्यासन होता था, इस पर पढ़े हुए आप लोग। उसके बाद जो है जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार कितने थे? मति ज्ञान, श्रुति श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान को इंद्रिय अंगों की गतिविधियों के माध्यम से अनुभूत होते थे, और श्रुत ज्ञान में शास्त्रों द्वारा दिया गया ज्ञान होता था। उसके बाद जो है अनभिज्ञ ज्ञान, सूक्ष्मदर्शी अनुभूति। और उसके बाद जो है फोर्थ नंबर में है मन प्राय ज्ञान, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्कों का ज्ञान, और केवल ज्ञान लौकिक ज्ञान को बोला जाता था। ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यह दुनिया में सबसे पुराण वैदिक ग्रंथ है। यह शामिल 1028 सूक्त और 10,580 छंद, जो 10 मंडलों में विभाजित है। यह केवल छंदों में है, ये पढ़ लिए हैं। सामवेद के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग अच्छे से, जिसमें श्लोकों इसमें जो श्लोक जो है मंत्रों की पुस्तक है सामवेद, जो इसमें जो है 1549 श्लोक मंत्र होते थे। 1549 श्लोक मंत्र है। यह वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है।
यह केवल छंदों में है। उसके बाद जो है यजुर्वेद, हम लोग पढ़े हैं यजुर्वेद के बारे में। यह यज्ञ विशेषज्ञ विधियों के पुस्तक है, दो भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह पद्य और गद्य दोनों में है। अथर्ववेद के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, इसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर करने हेतु एक मंत्र है। जादू टोना भी अथर्ववेद में ही हम लोग ये पढ़ते हैं। उसमें ब्राह्मण के बारे में जो है दिया हुआ है, वे वेदों की व्याख्या करते हैं और गद्य में लिखित और प्रकृति में कर्मकांड और ये जो है ब्राह्मण के द्वारा होता था, और प्रकृति में गद्य और कर्मकांड में लिखा है, और इसकी इसका अर्थ है बलिदान। सर ये समझ में नहीं आई, ये प्रकृति में ये वाली लाइन दोबारा से समझाइए। प्रकृति में मतलब ये प्राकृतिक भाषा होना चाहिए, प्राकृतिक भाषा होता है, जैसे पाली भाषा होते हैं। प्राकृत भाषा में लिखी गई है ऐसा ना? हाँ हाँ सही। आरण्यक, इसका अर्थ है जंगल, जंगलों में रहने वाले ऋषियों और छात्रों द्वारा लिखित आरण्यक है। ये ब्राह्मणों को का समापन भाग है, आरण्यक बोलते हैं इसको। उपनिषद के बारे में पढ़ चुके हैं, वे प्रकृति में दार्शनिक हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, और ये 108 की संख्या में है। अविधान्य सबसे प्राचीन उपनिषद है और सबसे बड़ा उपनिषद भी। वेदांग जो है 6 है, हम लोग पढ़ चुके हैं, शिक्षा, प्रतिख्यात, ध्वनि शास्त्र पर प्राचीन शास्त्र, और कल्प सूत्र, अनुष्ठान। इसमें ये अनुष्ठान जितने भी धर्म कांड और ये कर्म कांड होते हैं, अनुष्ठान होते थे जो भी होता है, सहस्त्र आदि सब अनुष्ठान, तो ये सब जो है कल्प सूत्र में होता। और व्याकरण जो है ग्रामर को बुलाया जाता है। पाणिनि जो है द्वारा लिखित अष्टाध्यायी दुनिया की सबसे पुराना व्याकरण है। निरुक्त, निरुक्त क्या है, शब्द उत्पत्ति है का एक ये है ग्रंथ है, और ये जो है निरुक्त में जो है क्या सब है, निघंटु दुनिया के कठिन शब्दों का सबसे पुराना शब्द संग्रह है, और निरुक्त दुनिया का सबसे पुराना शब्द कोश है। उसके बाद है छंद शास्त्र। सर ये निरुक्त के पार्ट ही है क्या ये छंद, ये या फिर अलग से हाँ ये पार्ट ही है उनके। छंद जो है इसमें जो है छंद शास्त्र बोलते हैं इसको, और इसमें जो है क्या था, पिंगल द्वारा लिखित छंद सूत्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ज्योतिषी, खगोल विज्ञान, ज्योतिषी में क्या था दिन खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ते थे जी। उसके बाद लगध मुनि द्वारा लिखित वेदांग ज्योतिष सबसे पुराना ज्योतिष ग्रंथ है। लगध मुनि द्वारा लिखित वेदांग ज्योतिष सबसे पुराना ज्योतिष ग्रंथ। उपनिषद, ये जो है हम लोग उपनिषद जो पढ़े, उसके बाद जो है उपवेद भी है कुछ, उसको जो है छोटा छोटा चार भागों में बांटा है उपवेद को। जैसे आयुर्वेद अर्थात औषधि ऋग्वेद के जुड़ी मानी जाती है। इस टाइम में जो है आयुर्वेद का जो ये हुआ था, आयुर्वेद ये ऋग्वेद से ही कुछ जुड़ी मानी जाती है आयुर्वेद को। उसके बाद गंधर्व वेद अर्थात संगीत सामवेद से जुड़ा है। उसके बाद है धनुर्वेद अर्थात धनुर्विद्या जो यजुर्वेद से जुड़ी है। शिल्प वेद अर्थात शिल्प शास्त्र अर्थवेद से जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद से। धनुर्विद्या जो है धनुर्वेद जो है धनुर्विद्या यजुर्वेद से जुड़ी हुई है। सर एक क्लैरिफिकेशन था सर, ये जो आयुर्वेद है ये अथर्ववेद का नहीं है, ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के जुड़ी मानी जाती है, लेकिन ये जो है ना अथर्ववेद से ही, आयुर्वेद का अध्ययन अथर्ववेद में किया जाता है।
हाँ ये तो, ऋग्वेद की उपशाखा ही तो है ना ये। हाँ आयुर्वेद ऋग्वेद, कई कई जगह पे अथर्वेद है, अथर्वेद की शाखा है आयुर्वेद। हाँ अथर्वेद का ही शाखा माना जाता है, लेकिन पहले जो है ना शुरू में तीन ही वेद थे, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद और सामवेद, अथर्वेद बाद में जो है आया है। ये तो हम लोग प्लेस देख लिए, विश्वविद्यालय का जो है नालंदा बड़ा गांव बिहार में है, उसके बाद जो है कुमार गुप्त इसके जो फाउंडर है, हिंदी में भी लिखा हुआ है इंग्लिश में भी है, औदन्तीपुर बिहार शरीफ बिहार में ही है, इसका जो है गोपाल पाल शासक बनाए थे, इसको स्थापित किए थे इस विद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है बिहार में, कुमार गुप्त इसके संस्थापक हैं, विक्रमशिला भागलपुर बिहार, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो उसमें उस पीडीएफ में ऐड किए हैं, उस पर धर्मपाल इसका जो संस्थापक है, सोमपुरी उत्तर बंगाल, धर्मपाल इसके संस्थापक है, जगदा लिखा हुआ है, जगदल्ला होना चाहिए, बंगाल में है, और ये जो है रामपाल पाल शासक इसको स्थापित किए थे, और वल्लभी गुजरात में है, गुजरात में, और भट्टार्क मैत्रिक शासक ने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है इसकी कीर्ति क्या है, आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत दिए थे, और ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्म सिद्धांत दिए थे, और वारा ये लेखक है, ये सब आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त और वारा मिहिर ये जो है क्या सब दिए थे, पंच सिद्धांत, बृहत संहिता और बृहत जातक और लगह जातक, वाग्भट जो है अष्टांग हृदय औषधि दिए थे, धन्वंतरी जो है नवनीत कम ये है, और उसके बाद जो है कृति है इसका भास्कर महाभास्कर ये जो है मुखमुख जो है, जैसे ये आर्यभट्ट हो गया, और उसके बाद ब्रह्मगुप्त के बारे में देख लीजिएगा, और धन्वंतरी के बारे में, भास्कर के बारे में, महा महाभास्कर और लघु भास्कर दो ग्रंथ इसके हैं, कृति है, बाल काव्य ये जो है हस्त आयुर्वेद जो है इसका जो है कृति है, आगे जो है दिया हुआ है इस्लामी प्रभावों ने पारंपरिक शिक्षण केंद्रों को समृद्ध किया, और भारत में भूगोल, प्रशासन और कानून एवं अरबी गणित के विषयों को शामिल किया, कौन किया था, इस्लामी प्रभावों में, उच्च शिक्षा में एक बड़ा बदलाव अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया, जो भाषाओं, साहित्य, इतिहास एवं दर्शन पर केंद्रित था, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है वर्ष 1947 से भारत सरकार द्वारा शैक्षिक सुधारों के सुझाव हेतु तीन महत्वपूर्ण आयोग की नियुक्ति की गई, फर्स्ट में है 1949 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन, मूल्यांकन की तकनीकों, निर्देशन का माध्यम, छात्र सेवाओं एवं शिक्षकों की भर्ती के बारे में सिफारिश की, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है 1952-53 का माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुख्य रूप से माध्यमिक और शैक्षिक प्रशिक्षण पर केंद्रित था, 1964 और 66 के उस पीडीएफ में अच्छा से दिया हुआ है, सब पढ़ लीजिएगा, 1964-66 के शिक्षा आयोग ने शिक्षा के पूरे क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की, और आयोग की रिपोर्ट ने जुलाई 1968 में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति पर एक प्रख्यात प्रस्तुत किया, यह नीति 1986 में संशोधित की गई थी, नई शिक्षा नीति में शैक्षिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी हुआ, और नैतिकता मॉडल पर एवं राष्ट्रीय एकीकरण मतलब कि नेशनल एकीकरण मतलब कि एकता पर बल दिया गया, और संपूर्ण देश में अध्ययन की एक सामान्य योजना प्रदान करने के लिए एक मुख्य पाठ्यक्रम शुरू किया गया, इसी में 1964 और 66 के शिक्षा आयोग के द्वारा।
भारत सरकार ने शिक्षा और क्रमिक योजना पंचवर्षीय आधार सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं के विकास का मसौदा तैयार करने के लिए वर्ष 1950 में योजना आयोग की नियुक्ति की और इसे लागू किया गया। इस योजना के मुख्य लक्ष्य थे क्या थे? तो ये फिर से आ गया क्यों? ये थे सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना और अशिक्षा को समाप्त करना, व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत शिक्षा के राष्ट्रीय विभाग एवं शिक्षा के एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों को परामर्श दिए। सबसे महत्वपूर्ण निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कितना है? ये उस लिस्ट में भेजे हुए हैं 1945। 1945 में यह तकनीकी शिक्षा पर सरकार को सलाह देता है तथा तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु मानकों को बनाए रखता है। जितना भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इसको जो है मान्यता यही देती है। इसका लोगो है ये। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ चुके हैं। आगे जो है यूजीसी के तहत विभिन्न नियामक निकाय जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल जिसको MCI बोलते हैं, और उसके बाद जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जिसको बोलते हैं AICTE, और बार काउंसिल इंडिया जिसको बोलते हैं BCI, और अन्य के साथ MBBS, BTEC, BTEC के बाद BAMS और LLB आदि जैसे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रबंधन करते हैं। ये UGC। UGC का विनियम 2012 के अनुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एक मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये सब जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 2012 में जो कौन कौन दो मान्यता प्राप्त संस्थान है कौन कौन, एक पढ़े थे हम लोग इसके बारे में NBA के बारे में, NBA जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। उसके बाद जो है एस्टेब्लिश बाय AICT द्वारा, एंड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल NAC जो है एस्टेब्लिश किसके द्वारा हुआ है, UGC के द्वारा। पढ़ चुके हैं हम लोग। तो NAC का ईयर क्या था? 2012। स्वयं की डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को उनके प्रबंधन के आधार पर जांच प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ये जितने भी ये कॉलेज विश्वविद्यालय है वो जो डिग्री देती है उसको जांच पड़ताल जो है कौन करेंगे, ये जो है NAC और NBA। केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ लीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद में एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित होते हैं और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम जैसे व्यक्तिगत अधिनियम के माध्यम से पुराने विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। NAC 1994 की NAC का जो है स्थापना 1994 है, देख ले हम लोग उस PDF में दिए हुए। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के माध्यम से एक साथ कई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिनियम के माध्यम से कई विश्वविद्यालय की स्थापना की।
2009 में कौन सरकार थी, कांग्रेस की थी, उस टाइम में जो है ये कई विश्वविद्यालय, फिर राजकीय विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, यही है डीम टू बी यूनिवर्सिटी, तुल विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सब पढ़ चुके हैं, पीडीएफ भेज देंगे फिर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये जो है उस टाइम का है, 1/10/2020 के टाइम का, इसको ये कर दीजिएगा, एडिट करना होगा। अभी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चौवन, ये तो सही है, कुछ इसको बढ़ाना होगा। ये कितना है, अभी जो राजकीय स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ना, टोटल है 442, और डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है अभी है 126, पहले था 124, अभी बढ़ गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 44। ये है आपको 5 फरवरी के डाटा अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कितना, 397, इसको आप लोग लिख लीजिए, कुल जो है टोटल है 1019 यूनिवर्सिटी। फिर से बोल दे क्या, स्टेट यूनिवर्सिटी का लिख लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी लिखिए 442, और ये डीम टू यूनिवर्सिटी जो है, टू बी यूनिवर्सिटी कितना, 126, और उसके बाद जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है कितना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54, और प्राइवेट विश्वविद्यालय है कितना, 397। अब ये सब जो है, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या थी, तो सभी लोग जानते हैं वैदिक टाइम में जो है संस्कृत थी। ये होगा, यहाँ से क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, आई क्वेश्चन चले जाएगा, आप देख लीजिएगा आप लोग। इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे आज कुछ हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सारा इंस्टीट्यूट बता दिए। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, जब ये सब जो स्वतंत्रता के बाद जो क्या क्या अभी देख लिया हम लोग की जो जो आयोग आया उसके बारे में पढ़े हैं, पीडीएफ में है और दिया हुआ। और एक है भारत में प्राच्य और पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राच्य टाइम में जो है क्या होता, प्राच्य जो है क्या है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, ये तो सब लोग जानते हैं। प्राच्य में क्या होता था कि उस टाइम में जो है, एक सेकेंड, इसका प्राथमिक शिक्षा में जो है एक तरह से स्किल डेवलप की मानिए, स्किल डेवलपमेंट होता है आज की डेट में बोलिएगा तो, जैसे कि आप छोटा सा कुछ टेंथ पास किए और उसके बाद जो है, या ट्वेल्थ पास किए, छोटा कोर्स कर लिए कंप्यूटर का, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटिंग का, या क्या कहते हैं ये ऑनलाइन जो है जो मार्केटिंग होता उसका, और उसके बाद जो है आप जो भी कंप्यूटर से हो गया रिलेटेड, और या मत्स्य पालन या और भी कुछ भी जो भी स्किल डेवलपमेंट का जो चलाए हैं भारत सरकार, वो सारा कोर्स जो छोटा छोटा कोर्स करते हैं वो प्राथ शिक्षा में, जैसे कि गुरुकुल, ये उस टाइम में गुरुकुल टाइम में भी जो है किसी को धनुर्विद्या दिया जाता था, किसी को चाक चलाने के लिए सिखाया जाता था, उसी के आधार पर बोला गया कि प्राची जो है, प्राच्य लर्निंग जो है, ये अधिगम जो है कि कौन सा लर्निंग है, तो इसमें जो है स्किल बेस रखा जाता है, ठीक है। और पारंपरिक हो गया, जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन किए, मास्टर डिग्री किए, और नॉर्मल पढ़ाई जो करते हैं, और या वोकेशनल पढ़ाई करते हैं, बीबीए, एमबीए या इंजीनियरिंग, ये सब जो है क्या आ गया, पारंपरिक में आ गया। और गैर पारंपरिक
जैसे ही गैर पारंपरिक हो गया तो ये हो गया मॉडर्नलाइजेशन, शिक्षा जो लागू हुआ है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, या आप बोल सकते हैं कि जितने भी ये हुआ है ऑनलाइन के माध्यम से सीखते हैं, चाहे प्रोजेक्टर के माध्यम से सीखते हैं, तो इसके ये सब जो है किसमें आ जाएगा, गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम के। इस शॉर्ट में बताए हैं, क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से बता दें इसको। प्राच्य अधिगम कार्यक्रम क्लियर हुआ, ओरिएंटल सर और एक बार रिपीट कीजिए सर, प्राच्य ये सब समझ में नहीं आया। हाँ सर, उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, प्राच्य मीन्स की समझ लीजिए एक तरह से आपको कि जैसे गुरुकुल, प्राच्य मीन्स से पारंपरिक तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, गैर पारंपरिक ही समझ में आ रहा है। गैर पारंपरिक हो गया अत्याधुनिक, ये हो गया आधुनिक पारंपरिक, और प्राच मीन्स हो गया कि आप जो पहले के लोग जो पढ़ाई करते थे तो स्किल बेस पढ़ाई करते थे। स्किल बेस मीन्स कि उस टाइम में जो है कुछ टेक्निकल चीज सीख लेते थे, उसी पर जो है रोजगार आधारित अपना पढ़ाई करते थे, और उस गुरुकुल में जैसे पढ़ाई होता था तो उसी पर, उसी से रिलेटेड बोल रहा है कि प्राच शिक्षा आज की डेट में पूछ दिया जाए कि ओरिएंटल लर्निंग क्या है, तो आप बता सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट जो भी कोर्स, छोटा छोटा कोर्स करके हम लोग जो रोजगार प्राप्त करते हैं उसी को बोला जाता है ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ओरिएंटल लर्निंग प्राच्य होगा, है ना? हाँ, ओरिएंटल लर्निंग जो है प्राच्य हो गया सर। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ, स्किल डेवलपमेंट जिसे कि आपको मान सकते हैं कि उसमें आ जाता है आपको छोटा छोटा जो भी कोर्स जितना भी चलाए है ना, कि शिल्पकार हो गया और क्राफ्ट हो गया, और उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी सीसी कोर्स हो गया, डीटीपी हो गया, टेली हो गया, और सब भी कोर्स होता है, मत्स्य पालन हो गया, छोटा छोटा कोर्स भी करके अपना जो है जीविका अर्जन करने के लिए लोग लग जाते हैं, तो उसमें जो है कौन सा प्रोग्राम आ जाएगा, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम में, जो कि मैट्रिक पास किया और उसके बाद जो है ये कोर्स कर लिया रोजगार प्राप्त के। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या सर? फिर कंप्यूटर कोर्स वाला फिर इसमें आधुनिक भी आएगा क्या सर प्राच्य में? फिर कौन सा ये प्राच्य में सर, जैसे आपने बोला ना कि कंप्यूटर वाला छोटे छोटे कोर्स करना होता है, आधुनिक में अभी चल रहा है ना कंप्यूटर से हम एजुकेशन करते हैं तो छोटे छोटे कोर्स करते हैं ये हम लोग, और ये आधुनिक में सीखते हैं, ये सीखने के प्रोसेस बात हो रही है, ये स्किल की बात हो रही है, रोजगार आधारित बात हो रही है, ओरिएंटल बेस, ठीक है, और ये जो है ना हम लर्निंग बेस करते हैं आधुनिक युग में, तो कंप्यूटर बेस करते हैं और उसके बाद जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से करते हैं, फिर उसके बाद ये आपको बहुत सारा डिजाइन ये बना के करते हैं, सिंबल के माध्यम से करते हैं, बहुत ये इस टाइप का हो गया। पर जो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं हैं वो इसी में प्राच्य में ही तो आती है, कंप्यूटर सिलाई और ये जो ब्यूटिशियन का कोर्स, यही सब हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारा जो है ओरिएंटल में ही आते हैं। पारंपरिक तो समझ में आ गया कि नॉर्मल जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो ग्रेजुएशन किए उसको बोलते हैं, और गैर पारंपरिक हो गया अत्याधुनिक जो है एजुकेशन जो अभी शुरू किए हैं स्वयं के माध्यम से, उसके बाद जो है ये ई लर्निंग जितना भी है ये सब आ गया, ई लर्निंग में जो आता है अपना योग पारंपरिक में ही आएगा ना, मास्टर डिग्री में। हाँ, ये पारंपरिक में आएगा, पारंपरिक में आएगा। और अगर लेकिन अभी जो सीख रहे हैं ना ऑनलाइन, अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये जो है ना गैर पारंपरिक हो गया, ऑनलाइन माध्यम जो हम लोग सीख रहे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं। सही है, ये तो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट जो है व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये सब हम लोग नहीं अभी पढ़े हैं, पढ़ लेंगे। इसमें जो है वही है व्यावसायिक शिक्षा, जो भी व्यावसायिक शिक्षा में आ जाता है MSW, BBA, और जो भी
रोजगार आधारित हो गया, टेक्निकल ये सारा चीज हो गया, टेक्निकल में आ गया इंजीनियरिंग जो स्किल ये करते हैं जो भी इंजीनियर सब है उसके वो सब आ गया टेक्निकल में, कौशल स्किल बेस्ड जो है इस आधारित शिक्षा हो गया, स्किल बेस्ड जो अभी बात की हम लोग प्राच्य ओरिएंटल लर्निंग में स्किल बेस्ड एजुकेशन होता है। फिर वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू मूल्य शिक्षा कब से लागू हुआ ये सब ध्यान है, पर्यावरण शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये सब तो हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे आप लोग। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पहले दिया जाता था किस टाइम में, गुरुकुल टाइम में ज्यादा ये था। नीतियां पॉलिसी जो है इसमें पढ़ना था, पॉलिसियां नीतियां पॉलिसी किसके लिए बनता है, समाज के लिए बनती है, सारे लोग जो है पॉलिसी जो है जैसे पॉलिसी बना संविधान से पारित हुआ तो बोलते हैं जैसे पॉलिसी क्या हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको क्या बोलते हैं, एक नीति बना दिया गया सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, तो ये नीतियां जो है इसी में आता है। सुशासन क्या हो गया, गवर्नमेंट सुशासन होता है, एक शासन होता है एक सुशासन होता है। सुशासन में आप जो है जैसे कि पहले नीतियां के बारे में और विशेष जान लीजिए और सब भी इसमें होता है, इसमें जो है तीन कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका होता है, तो पार्लियामेंट में उसी उसके द्वारा जो है नीतियां बनाई जाती है। और सुशासन में क्या होता है, शासन एक तरह से कि डिक्लेयर बोल सकते हैं आप लोग की शासन करना कि ये चीज करना है, किसी को ऑर्डर देना हो गया सुशासन हो गया, पारदर्शिता होता है इसमें। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया तो उससे पहले क्या किया, सारे लोगों से फीडबैक लिया, गांव ग्राम कहा जाता है ग्रामीण तक जो है उन्होंने पूछा कि ये पॉलिसी लागू कर रहे हैं कैसा रहेगा, तो ये सुशासन के माध्यम से माध्यम इसको माना जाता है। आरटीआई ये सब जितना होता है ना सुशासन के माध्यम में आ जाता है जिसमें पारदर्शिता ज्यादा होती है। फिर उसके बाद है राजनीति और प्रशासन, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। इसका काम क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रधानमंत्री भारत के एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, तो वो जो है सारे वो अपना पावर जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में हाई अथॉरिटी डीएम को जो है ट्रांसफर करते हैं अपना जो है पावर, तो डीएम क्या करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को अपना ये नीति को जो है जो नीति गवर्नमेंट की दी हुई होती है उसको उसी के माध्यम से वो जिला को चलाते हैं। ये नहीं कि कोई बोलते हैं कि आईएएस बन जाएंगे हम सभी को भुखमरी खत्म कर देंगे, इसके हाथ में आईएएस के हाथ में नहीं होती है, वो जो नीति बनाती है ऊपर से उसके माध्यम से ये एक माध्यम होते हैं आईएएस जो है जितने भी रहते हैं प्रशासन जिला प्रशासन वो क्या करते हैं कि जो भारत सरकार की नीतियां हैं उसको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है जिला को चलाना, उतना चीज का सुविधा मुहैया कराना पब्लिक को। सर ये हिंदी में तो सुशासन और शासन में डिफरेंस बुझाया, बट इंग्लिश में शासन और गवर्नेंस और इसका क्या डिफरेंस होगा सर, सुशासन और शासन का? सुशासन को गवर्नेंस बोलते हैं और शासन को क्या बोला जा सकता है, शासन का डिक्टेटरशिप होता है क्या इंग्लिश, शासन एक तरह से समझिए कि देख लीजिएगा इसका वर्ड थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, एक सेकंड। शासन यानी तो गवर्नमेंट ही बता रहा है गूगल। अच्छा गवर्नमेंट बोला रहा है ना, उसी को गवर्नमेंट बोला जाता है शासन, तो उसको जो है ना समझिए एक तरह से उसको इंग्लिश में बोला जाता है गवर्नेंस और उसको गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो था पहले जो था क्या करते थे जो पॉलिसी बनती थी तो उसमें फीडबैक नहीं लिया जाता था, अब जो आई है पॉलिसी उसमें जो है जनता से भी जो है फीडबैक ली जाती है, इसलिए इसको सुशासन बोला गया है गवर्नेंस। मतलब सर जिनमें फीडबैक लिया है वो सुशासन और जिनमें ना लिया जाता था वो शासन। शासन और इसमें एक चीज और भी है कि आप जो है ना ये आप उस चीज को पता लगा सकते हैं कि ये नीतियां बनी है तो इसमें जो है क्या कहाँ तक सही है, कोई चीज जो है जिस चीज के बारे में आपको डिटेल नहीं जानकारी है तो आप उस चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं सुशासन में आरटीआई के माध्यम से, और सब भी माध्यम है क्यों नहीं है, जैसे कि नगर निगम जो है इस रोड को जो है कंप्लीट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो इसके जानकारी आप ले सकते हैं।
इस मतलब नगर नियम के जो यहाँ के जो परिषद है वो कुछ बताएंगे आपको, जवाब देंगे कि इसका ये रीजन रहा कि हमने इतना इसमें इस टाइम में यहाँ व्यस्त था और इस चीज के लिए के चलते हमने नहीं काम करवा पाया, तो वो आप इससे तब उसके बाद जो है या फंड नहीं आई हमें, तो इस टाइप का वो जवाब देंगे आपको। पहले था कि डायरेक्ट जो है ना अपना सरकार जो है चलाती थी, चाहे नगर परिषद हो या कोई भी, अपने अकॉर्डिंग जो है जो फंड आया उसके अनुसार काम किया नहीं भी किया, इस टाइप का सुशासन में हो गया कि आप नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो आप जनता जवाब मांग सकती है। समझ में आ गया होगा सर? एनवायरमेंटल जो एडुकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा दीजिएगा सर। अच्छा ठीक है, इसमें पीडीएफ में पढ़ेंगे और थोड़ा सा आज जो है आज जो ऐड किया है उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। दिन जो है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते जो हम लोग नहीं ये कर लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में विशेष पढ़ चुके हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत के गंधार राज में स्थापित विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। यह जो है 700 ईसा पूर्व 3000 वर्ष पूर्व में स्थापित हुई थी। यहाँ जो है विश्व भर से उच्च अध्ययन करने के लिए उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए जो है कितने स्टूडेंट आते थे, 10,500 से अधिक छात्र आते थे। छात्रों का प्रवेश योग्यता के आधार पर उम्र 16 वर्ष रखा गया, योग्यता और बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जो है 16 वर्ष रखा गया था इसमें प्रवेश। और इसका विशेषता स्पेशलाइजेशन जो यहां से मिलती थी वेद दर्शन व्याकरण आयुर्वेद कृषि शल्य चिकित्सा राजनीतिक शास्त्र और धनुर्विद्या खगोल विज्ञान वाणिज्य कॉमर्स हो गया और संगीत नृत्य आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य जो है कौटिल्य यहाँ के जो है चाणक्य इसको कौटिल्य और ये विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और पाणिनि चरक विष्णु शर्मा जीवक जैसे महान दार्शनिकों ने भी यहीं से अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यहाँ के आचार्य कौन होते थे, चाणक्य होते थे, सुश्रुत होते थे, जैसे कि वैदिक काल में जो है पारंपरिक काल में जो है उस टाइम में जो है तीन तरह का वर्ण होते थे, कौन कौन वर्ण होते थे, शूद्र और उसके बाद क्षत्रिय उसके बाद विप्र उसके बाद जो है वैश्य। तो विप्र युग जो है समाज जो है चार चक्र में साइकिल में बांटा गया है, तो पहले शूद्र आए उसके बाद शूद्र टाइप मेंटेलिटी के लोग थे उसका चलता था, फिर क्षत्रिय लोग का चला जो भी ये करते थे मतलब कि आक्रमण करते थे उसका राजपाट होता था। चाणक्य के टाइम में जो है ना इस टाइम में जो है कहा गया है विप्र युग आए, इंटेलेक्चुअल के जो है युग आ गए थे, इंटेलेक्चुअल लोग जो है लीड करते थे, इंटेलेक्चुअल लोग एक तरह से राजा को चलाते थे यही इसी टाइम में। वर्ष 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जाति का भेद नहीं किया जाता था ना तक्षशिला में, हाँ उस टाइम में जाति का भेद नहीं किया जाता था। और ये भी था जैसे कि हम आपको तीन गो के बारे में बता दिए विप्र युग, उसके बाद वैश्य युग इस टाइम में चल रहा अभी जो है ना, वैश्य युग जो भी प्लानिंग गवर्नमेंट करती है वैश्य युग के अकॉर्डिंग करती है, मतलब की कैपिटलाइजेशन ज्यादा है आज जो है जो भी यहाँ पर पूंजीपति है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाते हैं सरकार, आज ही नहीं आज से पहले भी कांग्रेस टाइम में भी ऐसा ही था, ये दोनों को चलाते हैं आधुनिक ये जो है जो बोलते हैं ना वैश्य युग, अभी वैश्य युग पूरे वर्ल्ड में वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावलपिंडी पाकिस्तान में है ये भी। कौन तक्षशिला ना? हाँ जी सर, हाँ पाकिस्तान में, सही है पाकिस्तान में पड़ता है ये। वर्ष 1986 में इसको जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, विरासत धरोहर मीन्स विरासत, हमारे जो विरासत जो है एक कई विरासत में कई चीज आते हैं उसमें जो है ये भी है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन और डिटेल कुछ छूट गया था, इसको आज कंप्लीट कर दिए। नालंदा विश्वविद्यालय जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना ही क्वेश्चन काफी हो जाएगा। विक्रमशिला में भी इतना कम नहीं है, सिर्फ इसमें जो है एक फाहियान जो है ना नहीं ऐड किए हैं, फाहियान यहाँ आए थे तो पूछतेंगे कि यदि पूछा जाएगा कि चीनी यात्री जो है फाहियान विक्रमशिला ये में आए थे कि नहीं, तक्षशिला में आए थे कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ उस टाइप का ये छोटा। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है कि यह जो मगध बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, अभी हम लोग पढ़े हैं बड़ा गांव में और राजगीर के पास है, इसको जो है राजा जो है कौन सा कुमार गुप्त 5वीं शताब्दी
जिसको बोलते हैं 415 से 455 ईस्वी ने नालंदा में बुद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए प्रथम मठ बनवाया था। उसके बाद जो है ईस्वी याद रखिएगा, इसे शताब्दी याद कर लीजिएगा। और प्रवेश जो है इंट्रेंस टेस्ट बाय गेटकीपर के द्वारा द्वारपाल के द्वारा लेते थे, द्वारपाल को दूसरा बोलते हैं, द्वार पंडित भी बोला जाता था वहां। और बौद्ध बौद्ध धर्म के महायान की पढ़ाई होती थी, महायान की पढ़ाई होती बौद्ध धर्म के यहाँ पे। और तक्षशिला में जो है वहाँ एक और है गुजरात में है क्या, वल्लभी, वहाँ जो है इसका पढ़ाई होता था हीनयान का। भाषा जो है पाली थी, जो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली थी पढ़ाई के। और यहाँ जो है 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। कितने? 2,000 शिक्षक। रेशियो क्या हो गया? 10:2, मतलब 10 स्टूडेंट पर 2 शिक्षक थे। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति या अध्यक्ष कौन होते? सिलभद्र थे। इसमें एक पुस्तकालय जो तीन भवनों में स्थित था, एक पुस्तकालय से जो तीन भवन में स्थित था, जिसमें एक भवन 9 मंजिल का था। वो जो भवन था 9 मंजिल था, जिसका नाम क्या था? रत्न सागर। रत्न सागर याद रखिएगा, कौन कितने क्या था पुस्तकालय का एक मंजिल का नाम? रत्न सागर। नालंदा विश्वविद्यालय सरस्वती नदी के किनारे है, जो सूख गई है। नालंदा विश्वविद्यालय जो ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र नदी माना जाता था, जो अभी सूख गई है नालंदा विश्वविद्यालय। जैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पिछले बार पूछा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी किनारे। उसी तरह से ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यदि पूछ दे प्राचीन काल में ये विश्वविद्यालय है, तो इसमें जो है बोलेंगे सरस्वती नदी किनारे थे। सर ये रत्न सागर वो लाइब्रेरी जैसा था क्या? हाँ लाइब्रेरी, सातवीं, हाँ लाइब्रेरी का नाम ही था रत्नासागर। एक उसमें एक भवन था जिसका नाम क्या था, 9 मंजिल का जो भवन था उसका नाम क्या था? रत्नासागर। और सर इसे धर्मगंज भी बोला जाता है क्या? सर जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है ना सर, उसे धर्मगंज भी बोला जाता है, धर्मगंज। अच्छा हो सकता है धर्मग्रंथ, इसको धर्म ग्रंथ बोला जाता है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, उसमें भी है धर्म ग्रंथ के बारे में। चलिए ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय सरस्वती नदी के किनारे है जो सूख गई है। और सातवीं सदी में चीनी यात्री या विद्वान भी कहीं लिखा रहता है, वे ह्वेनसांग आए थे। कितने ईस्वी में? सदी में, सातवीं सदी में ह्वेनसांग आए थे, यही नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर इन्होंने संस्कृत की विद्या अध्ययन की, संस्कृत कुछ और शास्त्र के जो है यहाँ अध्ययन किए थे। और अध्ययन क्षेत्र जो है इसका जो है क्या क्या था? वेद, वेदांत और सांख्य की पढ़ाई जाते थे यहाँ पर। और व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिषी, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र एवं खगोल शास्त्र की पाठ्यक्रम, खगोल शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। यहाँ जो है अध्ययन करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट पूछ सकता है, पूछता है। ज्योतिषी की पढ़ाई होती थी यहाँ पर, खगोल शास्त्र की पढ़ाई होती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। और वर्ष 1202 मतलब कि 1202 में बख्तियार खिलजी ने अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जो इसको जो है नष्ट कौन किया? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया। और जब इसमें आग लगी तो छह मंथ तक जो है इसकी आग जो है इसकी लाइब्रेरी के जो पुस्तक थी उसको जलते रह गया था 6 माह तक। और इसको 2010 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। हाँ 2010 में जो है ना इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। अभी काम चल ही रहा है इसमें। और उस टाइम में जो है अमृत सेन वो उन्होंने ही इसका जो है पुनः 2010 में जो है इसको ये वर्क किया इसके बाद इस पर। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में है, नोबेल प्राइज करता था ये प्राप्त करता थे, नोबेल प्राप्त किए थे अमृत सिंह। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने किया, 8वीं शताब्दी में।
ये नालंदा जो है 7वीं शताब्दी, ये 8वीं शताब्दी में, इसका जो है संस्थापक कौन थे, धर्मपाल ने किया था, ये पाल वंश के शासक थे, धर्मपाल ने किया। आचार्य यहाँ का कौन थे, अतिश दीपंकर हुआ करते थे, यहाँ के आचार्य कौन होते थे, अतिश दीपंकर हुआ करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर स्थित है, पूछ सकता है क्वेश्चन, चार सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। आचार्य कौन, अतिश दीपंकर हुआ करते थे, कितने ईस्वी में, 8वीं शताब्दी में, धर्मपाल ने इसे स्थापित किया था, और ये किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे के तट पर स्थित है, और वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतिम अंतिम चक अंति अंति चक गांव में स्थित है, भागलपुर जिले, यहीं तक ये इम्पोर्टेंट है, बिहार के भागलपुर जिले में अंति चक गांव में स्थित है, ये डिटेल हो गया, थोड़ा सा डीप हो गया। और इसे विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में व्याकरण और न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है, या तंत्र की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में की जाती थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय होगा। तंत्र, जादू टोना, ये सब भी आता है उसी के अंतर्गत, कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड। फिर विश्वविद्यालय के केंद्र में विद्यागृह, ये बोल रहे थे विद्यागृह, विश्वविद्यालय के केंद्र में विद्यागृह बोलते हैं, मुख्य व्याख्यान कक्ष थे, जो व्याख्या देने का जो लेक्चर दिया जाता था वहां पर, विश्वविद्यालय के केंद्र में जो है, बीच में जो है विद्यागृह थे, उसका नाम क्या था, विद्यागृह। विक्रमशिला से इतना लिखे हैं। अच्छा, ये विद्यागृह अलग है। चलिए फिर यहां तक कंप्लीट हो गया, आज जो है इतना रहने देते हैं, क्वेश्चन जो है कुछ करवाना चाह रहे थे लेकिन टाइम हो गया है, तो आज जो सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और जो इसमें पढ़ाना था उसको फिर से हम लोग ये कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन तो सोल्व करवाइए। क्वेश्चन, ओके, हाँ सर, बहुत टाइम है अभी। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सारे लोग भाग जाते हैं, इसलिए छोड़ दिए थे। पर सेकेंड, आपके पास एक स्टूडेंट हो तो उसको भी सॉल्व करवाओ आप, तभी आप सर्वश्रेष्ठ टीचर कहलाओगे। ये होने लग, चलिए ठीक है, मैं करवाते हैं इसको। कहाँ होगा, इसमें होगा, मैं जून कंप्लीट कर लिए थे शायद, जून में एक योगा का छूट गया था, इसको कर लेते हैं। कहाँ से है, 40 योगा, 40, फोर्टी सिक्स है क्वेश्चन, 1 2 3। डेडिकेशन पढ़ाई का है, इसको बोलते हैं। फोर्टी सिक्स यहाँ आ गए हम लोग, देखिए, गैर अपारंपरिक अधिगम जो है यहाँ आ गया। निम्नलिखित में से क्या उच्च शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़िए तो आप लोग इंग्लिश में, क्वेश्चन नंबर 46, कौन पढ़ेंगे, नोरा जी पढ़िए आप। मैं पढ़ देती हूँ भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन द हायर एजुकेशन, स्वयं, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, ट्यूटोरियल क्लास और सेमिनार। कौन सा होगा इसमें आंसर, स्वयं। स्वयं, बहुत बढ़िया। ये अपारंपरिक लिखा हुआ रहेगा ना, तो समझ लीजिए कि मॉडर्न शिक्षा की बात कर रही है, ठीक है, पारंपरिक मतलब कि एंशियंट टाइम का।
सर ये थर्ड नंबर का क्या था, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है? ट्यूटोरियल कक्षा, ये मतलब कि इसमें जो है ना जो क्लास देते हैं ना, ट्यूशन दी जाती है, ट्यूशन दी जाती है बैठा के, वही ना? हाँ हाँ वही सेमिनार तो पता ही है, उसके बाद जो आमने सामने शिक्षण अधिगम, टीचर जो है स्टूडेंट जो आमने सामने जो है फेस टू फेस लर्निंग करते हैं, ये सब पहले होता था, अभी जो है ये सब नहीं होता है, अब जो है ये स्वयं के माध्यम से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है ये गलत होता ही है फेस टू फेस, लेकिन ये कड़ा है कि उच्च से उच्च अपारंपरिक अधिगम हम लोग पढ़े ना कि इस अपारंपरिक में क्या होता है, ई लर्निंग के द्वारा हम लोग सीखते हैं, अभी जब सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे उसमें बताए थे आप। 47 पढ़िए। फॉर द डे टू डे Administrational of university, which of the following bodies is responsible? Senate, syndicate, executive, कहाँ गया सर? सिंडिकेट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल। तो ये कह रहा है विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायित्व है, तो इसका जो है हो जाएगा कौन सा, सिंडिकेट अधिस अधिस नंबर क्या फोर्थ नंबर होना चाहिए ना? नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही है ना, एकेडमिक काउंसिल की बात नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, उसमें जो भी अधिकारी होते हैं विश्वविद्यालय के वो रहते हैं, तो उसके द्वारा जो है कह रहा है कि विश्वविद्यालय में जो है नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायित्व है, कुछ भी जो है ये गड़बड़ी होता है या प्लानिंग जो भी होता है यूनिवर्सिटी में, उसका जो है प्रशासनिक रूप से एग्जीक्यूटिव जो है मेंबर होते हैं, सिंडिकेट के मेंबर होते हैं, सिंडिकेट परिषद बोलते हैं इसको, काउंसिल। ये प्रतिदिन पर बात कर रहे हैं ना, इसलिए ये सिंडिकेट हो गया, सीनेट जो होता है एक अलग, इस ये भी जो है सिंडिकेट से ऊपर पोस्ट हो, ये होता है, और विद्या परिषद जो है ये पाठ पुस्तक निर्माण करती है, और अकादमिक परिषद जो है एकेडमिक काउंसिल जो देखती है एजुकेशन को। 48 पढ़िए मानसी जी। मानसी जी नहीं है, सोनिया जी पढ़िए तो इसको, या पूनम जी पढ़ रहे हैं, पढ़िए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन ऑफ यूजीसी? रिकॉग्नाइजिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशंस, मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। अब हिंदी में भी समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ में आई? यूजीसी का फंक्शन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन कथनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकार का निरूपण होता है, क्या क्या होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा? संस्थाओं की मान्यता ये तो होगा ही, उसमें गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण ये भी है, और उसके बाद है कुलपति की नियुक्ति, यूजीसी तो नहीं करती है, उसके बाद जो है संस्थाओं का को अनुदान दिया जाना, उसके बाद जो है राज्य संस्था अनुदान तो देती है ये होगा, उसके बाद जो ऑप्शन है राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराना है। 1, 2 and 4 नजर। 48 3 है इसका आंसर, 3 में क्या है 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ये हो गया, ये हो गया सर, 1, 2, 4 होगा ना? हाँ 1, 2, 4 होगा, संस्थाओं को मान्यता और गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण,
और उसके बाद फोर में है राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना। ये फोर्थ में अनुदान है सर। हाँ सर अनुदान होगा। ओ सॉरी ये हो गया ना, हाँ फाइव में है वो, ये संस्थाओं को अनुदान दिया जाना, फाइव नहीं होगा ये। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ये करता है, और फोर्थ में गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशन वन टू और फोर संस्था को अनुदान दे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इसमें तो सारे लोग को समझ में आ गया होगा। कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा फिर? कुलपति की नियुक्ति राज्य के कुलपति राष्ट्रपति करेगा क्या? नहीं राज्य के जो है ना राज्यपाल करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के, पर ये तो सेंटर पे होता है ना। क्या ये यूजीसी तो सेंट्रल होती है ना एक तरीके से, तो इसका तो फिर वही करना चाहिए, राज्यपाल नहीं करना चाहिए? यूजीसी होती है ना, यूजीसी के मुख्य प्रकार के निरूपण करना यूजीसी का काम नहीं है, कुलपति की नियुक्ति करनी। ठीक है इसलिए नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही है कि भाई यूजीसी करेगा, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि यूजीसी तो खुद ही सेंट्रल होती है। हाँ ये तो सेंट्रल होती है, निकाय बोर्ड। तो इसके जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति को ही करनी चाहिए ना, राज्यपाल को थोड़ी करनी। स्टेट के लिए स्टेट गवर्नर करता है ना, इसके लिए राष्ट्रपति करता है सेंट्रल के लिए। वही तो बोल रहे हैं मैम कि जो ये यूजीसी जो है ना, यूजीसी एक संस्था है जो अपने ऑटोनोमस है, वो जो है ना सिर्फ ये इसका काम ये कुलपति की नियुक्ति करना नहीं है। वीसी का वीसी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी को ये क्या करते हैं, सारे यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, और राज्यपाल के वहाँ के जो प्रशासक होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटी जो है, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो हायर अथॉरिटी होती है वो राज्यपाल होती है स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो इसलिए जो है ये यूजीसी का काम जो है रिकॉग्नाइज करना है, वहाँ के क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना रहता है, किसको क्या ये करना है ग्रांट्स देना है कितना, ये चीज है। और डीसी का जो नियुक्ति करता है स्टेट के जो है गवर्नर राज्यपाल, और करनी यूजीसी को करनी चाहिए ये तो नहीं है निकाय में, इसके निकाय में, इसलिए जो है इसके जो ये नहीं बोल रही सर यूजीसी को करनी चाहिए, मैं ऐसे बोल रही हूँ राष्ट्रपति को करनी चाहिए। ओ ये राष्ट्रपति को करनी चाहिए, अच्छा एसटी वो जो है ना राष्ट्रपति को वो कर, राष्ट्रपति तो हायर देश के जो है ना वहाँ सबसे हायर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो है ना बीसी वो होती है, और राष्ट्र राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करती है। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है, राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति ये राज्यपाल को समझ में नहीं आए कुलपति की नियुक्ति किसे करें, तो ये जो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से सलाह ले सकती है। लेकिन जब हाई अथॉरिटी बना के स्टेट का भेज ही दिया है राज्यपाल को, ये कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो है प्रशासनिक विभाग का जो है बताए ना कि सबसे चांसलर होते हैं हेड, तो उन्हें दिया जाता है राजनीति करने का ऑर्डर। हाँ किसी को चाय पर भी वहां से हो जाए तो राष्ट्रपति से तो राज्यपाल मानेंगे ही, बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, हाँ पढ़िए। तो पूनम जी पढ़िए। The main aim of the faculty recharge scheme of UGC was to address shortage of faculty in higher education institution, upgrade the teaching skills of the faculty, upgrade the research infrastructure for the faculty in colleges and universities, strengthen academia, industry linkage. ये चार ऑप्शन। चार ऑप्शन। हिंदी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो फैकल्टी है और उसका जो है
रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन है उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षण वृंद की कमी की समस्या का निराकरण। ये जो है उसके जो है ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट जो है इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है या नहीं। 49 का जो है कह रहा है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षण वृंद की कमी की समस्या का निराकरण कौन करेंगे? यूजीसी करेंगे। तो यूजीसी देखेंगे कि इसमें जो है शिक्षक की कमी है, तो उन्होंने जो है कहेंगे कि यहाँ जो है टीचर का जो है बहाली होना चाहिए, प्रोफेसर का बहाली होना चाहिए। शिक्षकों के शिक्षण कौशल का अस्त्रोन्नयन इंग्लिश में क्या दिया हुआ 42 का, अपग्रेड द टीचिंग स्किल ऑफ द फैकल्टी, ये काम उनका स्तर बढ़ाना, स्तर उन्नयन, हाँ स्तर उन्नयन है उसका जो ना वो स्किल जो है डेवलप करने का, तो ये यूजीसी के काम के अंतर्गत नहीं आती है ये। फिर है महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में शिक्षक वृंद के लिए शोध अवसर अवसंरचना अनस्ट्रक्चर का अस्त्रोन्नयन। फिर कर महाविद्यालय कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षक वृंद के लिए शोध रिसर्च का जो है अवसर जो है वो जो है अवसंरचना अनस्ट्रक्चर, नेगेटिव वर्ड यूज कर लिया है, कर दिया यहाँ पर। और चौथा है शिक्षा जगत उद्योग के मध्य संपर्क को सुदृढ़ करना। शिक्षा जगत जो है जो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके जो है मध्य संपर्क सुदृढ़ करना, इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेंथ क्या लिखा हुआ, स्ट्रेंथ इन द एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेज। जो भी इंडस्ट्री अभी जो भी शिक्षा जगत में एक तरह से इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है इसको, शिक्षा जगत को कमाने का माध्यम बना लिया है, तो उसको जो है कर है लिंक करना, तो ये काम नहीं है। इसका जो है आंसर हो गया फर्स्ट है, इट इज द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन सर थर्ड नहीं है, थर्ड नहीं सर, जो यूजीसी है उसका मुख्य उद्देश्य तो रिसर्च ये सभी है ना सर, तो तीसरे में तो यही बोल रहा है। हाय लेकिन इसका फैकल्टी दे दिया ना वर्ड यहाँ पर यूजीसी का, फैकल्टी रिचार्ज स्कीम, फैकल्टी की जो नियुक्ति होती है उसमें जो है नियुक्ति करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था क्या, इसमें मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ये सब जो फैकल्टी को जो है ये करना शोध में बढ़ावा देने के लिए, नहीं ना, इसलिए जो है इसमें जो हो जाएगा कि मुख्य उद्देश्य क्या होगा, शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण करना। जहां फैकल्टी कमी हो गया, रिटायर्ड हो गए प्रोफेसर, वहां पर जो है ये इसका जो है ये करना, नियुक्ति करने का जो है यूजीसी का काम होती है, शिक्षकों शिक्षण कौशल का। ये सारा पॉजिटिव है लेकिन इसमें जो है ना फर्स्ट में जो दिया हुआ ना फैकल्टी की बात कर रही है, तो इसलिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण करना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पढ़िए पूनम जी। नेम द सर, ये हो गया था सर, ये हो गया था सर, ICSSR ICSSR इंप्रेस होगा सर। कल हम लोग कर लिए थे ना, कल उस दिन नेक्स्ट रोज 53 है इसका, सार्क है इसकी अलग है क्वेश्चन, ये हो गया था इसका जो आंसर जो है ना ये थर्ड है, मैंने सार्क दिया था, आपने वो बोला था ऊपर वाला। अच्छा शायद अलग भी होगा क्वेश्चन सर, एक बार पढ़ लेते हैं। इस पार्क पढ़िए तो। नेम द स्कीम विच फैसिलिटेट्स एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। ICSSR, इम्प्रेस, स्टाफ डेवलपमेंट स्कीम, स्पार्क और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा तो
उस स्कीम का नाम बताइए जिससे भारतीय संस्था और विश्व के सर्वोत्कृष्ट संस्था के मध्य शैक्षणिक और शोधपरक सहयोग सुकर हो जाता है। क्या होगा? स्पार्क होगा। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? एक सेकेंड देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म स्पार्क का देखना होगा। इसी का काम है किसका, किसके बीच? भारतीय संस्था के जितना भी ये है स्कॉलर है और वहां के क्या कहते हैं विश्व के सर्वोत्कृष्ट संस्था के मध्य शैक्षणिक और शोध परक सहयोग को सुकर हो जाता है, मतलब कि कोरिलेट करता है। कौन? स्पार्क। इसका आंसर 3 है दिया हुआ। चलिए और डिटेल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आज यहां तक रहने देते हैं। स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एकेडमिक स्पार्क का फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का काम करता है ये स्पार्क। देखिए शब्द इसका जो फुल फॉर्म जिनको याद है वो यहाँ से ये कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं सी से, इसलिए स्पार्क का फुल फॉर्म याद रखिएगा। शांति पाठ कर लेते हैं लास्ट में। आज जितना भी पढ़ाई हुआ उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है किसी को? शांति पाठ आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस। एक बार उनका उच्चारण, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा पुण्यात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को ढक करके शेष पसी के लिए लगाइए। सभी लोग को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।